हेलो एवरीवन वेलकम टू टैब सो इन फाउंडेशन सीरीज बी डिस्कसिंग द टॉपिक एक्टिविटीज अंडर एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो किसान एग्रीकल्चर में करते हैं जिनके लिए लोन बैंक्स दे सकते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे सकते हैं तो एग्रीकल्चर टर्म लोन्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं अगर आपको कोई एसेट्स परचेज करनी है अगर आपको एग्रीकल्चर करना है हॉर्टिकल्चर करना है प्लांटेशन सेरीकल्चर एनिमल हजबेंड्री फिशरीज से रिलेटेड कुछ भी आप एसेट्स परचेज करते हो ये सब करने के लिए सो यू गेट अ टर्म लोन एंड ये जो टर्म लोन्स uh, होते हैं दे आर पेबल नॉर्मली फॉर अ पीरियड ओवर एक्सीडिंग थ्री ईयर्स के तीन साल से ज्यादा के समय में आप उस लोन को वापस करते हैं ऑल कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स फार्मर्स भी और एग्रीकल्चर लेबर्स जो हैं एग्रीकल्चरल टर्म लोन के लिए एलिजिबल है सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट सिर्फ जो ओनर्स हैं एग्रीकल्चरल लैंड के सिर्फ उनको लोन नहीं मिलता है जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं उन्हें भी लोन मिलता है तो सबसे पहले जो एक्टिविटी की बात हम करेंगे वो है लैंड डेवलपमेंट अगर आप लैंड को डेवलप करना चाहते हैं यानी कि लैंड क्लियर करवाना चाहते हैं कि बुशेस ट्रीज आपने क्लियर करवा दिए लैंड को लेवल करवाना है आ, बेंच टेरिसिंग करनी है हिली एरियाज में हिली एरियाज में ऐसे पहाड़ ऐसे इस पे तो आप नहीं कर सकते तो आप स्टेप्स बना लेते हैं उसके लिए अगर आपको लैंड को डेवलप करना है आपको लोन मिल जाएगा आपको कंटूअ स्टोन वॉल्स बनवाने हैं ट्रेंचेस बनवाने हैं ड्रेन्स बनवाने हैं लैंड पे या आपका जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा सेलाइन हो चुका है या बहुत ज़्यादा एल्कलाइन हो चुका है फेंसिंग करवानी है सब चीज़ के लिए आप लैंड डिवेलपमेंट के लिए बैंक से फाइनेंसिंग करवा सकते हैं लेकिन ये जो लैंड डिवेलपमेंट के लिए जो आपको लोन चाहिए ये सिर्फ उन फार्मर्स को मिलता है जो ओन करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड को जिसका खुद का लैंड है वही लैंड डेवलपमेंट के लिए लोन ले सकता है बैंक से एंड डॉक्यूमेंट्स क्या आपको सबमिट करवाने पड़ते हैं आपको एक तो इंजीनियर से एस्टिमेट लगवाना पड़ता है कि यहाँ पे जो हम लैंड डेवलपमेंट की एक्टिविटी करेंगे कितना पैसा लगेगा ठीक है एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो आपको बैंक के पास सबमिट करनी पड़ती है उसके लिए फिर आपको लोन मिल जाता है फिर अगर आपको माइनर इरिगेशन के लिए लोन चाहिए है तो वो भी आपको आपको बैंक से लोन मिल जाएगा आपको नया कुआं खुदवाना है वो existing well है उसको डीपनिंग करवानी है कोई energizing well लगवाना है पाइपलाइंस लगवानी है लिफ्ट इरिगेशन का सिस्टम लगवाना, लगवाना, लगवाना है तो आपको लोन मिल जाता है बस आप अगर ऐसे फार्मर हो जिनके पास एक नोन सोर्स ऑफ वाटर है जो आप लैंड इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं तो आप माइनर इरिगेशन के लिए लोन ले सकते हैं आपको एक तो एस्टिमेट सबमिट करना पड़ेगा ठीक है एस्टिमेट फॉर सिविल वर्क्स एंड कोटेशंस फॉर द एसेट्स टू बी परचेज जो एसेट परचेज करनी है उसकी कोटेशंस उसके बाद लैंड रिकॉर्ड टाइटल किसके पास है एक जियोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेट और एक फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जहां जहां पे भी जरूरत हो जैसे जहां पे अम, अर्थ प्रोन क्रोन एरियाज़ हैं लैंड स्लाइड वाले एरियाज हैं तो जियोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेट आपको लगेगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों का सर्टिफिकेट साथ में लगाना पड़ता है लोन लेते समय फिर अगर आपको फार्म का मैकेनाइजेशन करना है आपको कोई मशीनरी परचेज करनी है आपको पावर टिलर लेने हैं थ्रेशर लेने हैं कंबाइन हार्वेस्टर स्प्रेयर लेने हैं ट्रैक्टर वगैरह लेने हैं तो आप जिससे भी आप अपने फार्म की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं आप उसके लिए फार्म मैकेनाइजेशन के अंडर लोन ले सकते हैं आपके पास कम से कम पाँच एकड़ का पेरेनेली इरिगेटेड लैंड होना चाहिए है जैसे आपको ट्रैक्टर खरीदना है तो ट्रैक्टर आप इरिगेशन के लिए यूज़ करोगे चलाओगे अपने लैंड पे तो कम से कम पाँच एकड़ का लैंड हो और पेरेनेली इरीगेटेड हर टाइम वहाँ पर इरीगेशन के लिए वाटर अवेलेबल होना चाहिए तब फिर आपको ट्रैक्टर के लिए लोन मिल जाता है इवन अगर आप सेकेंड हैंड ट्रैक्टर लेना चाहते हैं अपनी मशीनरी को रिपेयर करना चाहते हैं तो आप बैंक आप आपके उस टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर आपको लोन दे देगा आपको एग्री क्लिनिक खोलनी है एग्रो सर्विस सेंटर खोलने हैं कोई एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट है या टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन है एग्री क्लिनिक है एग्रो सर्विस चलाने के लिए अपार्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी अगर कोई ये क्लिनिक चलाना चाहता है तो उन्हें यहां पे लोन मिल जाता है सो बैंक्स आल्सो फाइनेंस एग्री क्लिनिक एंड एग्रो सर्विस सेंटर रन बाय एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन बिसाइड स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स एंड कॉरपोरेशन एंगेज इन फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज उसके बाद मैक्सिमम मार्जिन मनी कितना रखी जाती है यहाँ पे 25 परसेंट डिपेंडिंग अपॉन दी एक्टिविटी जो फार्मर कर रहा है और रीपेमेंट पीरियड जो है इन सब चीज़ों को खरीदने का वो थ्री टू नाइन इयर्स का है आपका लोन का उसके बाद है अगर आपको हॉर्टिकल्चर के लिए लोन चाहिए आप जैसे फ्रूट्स फ्लावर्स वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं उसके लिए अगर आपको लोन चाहिए तो अगर आपको अपने बाग बनाने हैं सेब के आम के उसके लिए आपको लोन चाहिए शॉर्ट टर्म की क्रॉप्स हैं जैसे बनाना पाइन या फ्लावर्स हैं या ग्रीन हाउस बनाना है वेजिटेबल्स लगाने हैं तो हॉर्टिकल्चर की अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो भी आपको बैंक लोन दे देगा आपके पास कल्टिवेबल लैंड होना चाहिए और अगर आपको अपना बाग ऑर्किड डिवेलप करना है तो वाटर एंड सॉइल टेस्ट रिपोर्ट बैंक को देनी पड़ती है लोकल जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उससे फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की क्या यहाँ पे आम के बाग लगाना फिजिबल है भी है लैंड रिकॉर्ड सबमिट करने पड़ते हैं कॉस्ट का एस्टिमेट कितना होगा उसका कोटेशन और अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना

डेयर यूनिट सेटल करनी है और आपको उसके लिए जानवर वगैरह खरीदने हैं आपको कोई बड़ा सेटअप लगाना है मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्शन प्रोसेसिंग का सेंटर लगाना है आपको मिल्क प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसा चाहिए वहाँ पे आपको लोन चाहिए आपको ब्रीडिंग फार्म बनाना है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर वेटनरी क्लिनिक इन सब के लिए भी आपको अगर लोन चाहिए तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है ठीक है सैरीकल्चर अगर आप करना चाहते हैं सैरीकल्चर क्या होता है यहाँ पे आप आ, जो सिल्क वर्म्स होते हैं उन्हें आप रेस करते हैं और उनसे सिल्क फिर आप एक्सट्रैक्ट करते हो जो ये आपको पिक्चर नजर आ रही है ना इस तरीके से सेरीकल्चर होता है बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी होती है लोगों की बहुत ज़रूरत होती है लेबर की तो यहाँ पे सिल्क के अंदर पहले तो कल्टिवेशन uh, होती है होस्ट प्लांट की सिल्क वर्म्स जो हैं उनको कोकून स्टेज तक रेयर किया जाता है uh, फिर रॉ सिल्क उनमें से एक्सट्रैक्ट करके फिर सिल्क को प्रोसेस किया जाता है तो जो सेरिकल्चर का प्रोसेस है उसके लिए भी आपको लोन मिल जाता है हमने तो पीछे डिस्कस किया था ड्रिप स्प्रिंकल लिफ्ट इरीगेशन तीन टर्म्स मैंने यूज किए थे तो ड्रिप इरीगेशन होता है जो वाटर का एप्लीकेशन है जैसे जो प्लांट है उसके रूट में सिर्फ पाइप्स लगे इनमें छोटे छोटे से ऐसे छेद होते हैं तो सिर्फ रूट पे ड्रॉप ड्रॉप बाय पानी जाता है है इससे क्या होता पूरा ऐसे पानी नहीं डाल देते इस पिक्चर में देखो पूरा पानी कर देते हैं तो वाटर ज्यादा लगता है यहाँ पे क्या होगा आपका सिर्फ ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट पे जाएगा ठीक है आपको पंपिंग यूनिट चाहिए होते हैं पाइपलाइन चाहिए होते हैं नोजल्स फिल्टर्स थोड़ा सा पैसा इनिशियली लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में पानी बहुत सेव होता है स्प्रिंकल इरिगेशन में स्प्रिंकल uh, लगते हैं जिनमें से पानी घूम के ऐसे लगता है पूरा जैसे ये स्प्रिंकल्स है ये स्प्रिंकल्स ऐसे घूमते रहते हैं और पानी जो है आपके खेतों में जाता है और फिर उसके बाद है लिफ्ट इरिगेशन लिफ्ट इरिगेशन में तो नीचे से पानी निकाला और आपके खेतों में चला गया ठीक है तो टर्बाइन पंप्स वगैरह रख के तो ये आपका फिर लिफ्ट इरिगेशन में यहाँ तक तो सिर्फ फ्लड इरिगेशन होती है कि पानी भर दिया पूरा सबसे कम पानी जाता है ड्रिप इरीगेशन में उससे ज्यादा स्प्रिंकल में उससे ज्यादा फिर लिफ्ट इरीगेशन में पानी लगाया जाता है ओके okay. अब फिर अगर आपको लैंड परचेज करना है तो उसके लिए भी आपको लोन uh, मिल सकता है हाफ ईयरली ईयरलीयरली इंस्टॉलमेंट्स में आप 10 साल के अंदर अंदर आप पैसा वापस कर सकते हैं चाहे स्मॉल फार्मर हो टेनेंट फार्मर हो शेयर क्रॉपर हो अब लैंड होल्डिंग के हिसाब से आपकी लैंड परचेज को फाइनेंस कर दिया जाता है दो लैंड होगा वही मोर्टगेज भी होगा फिर ठीक है तो अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अगर आप जैब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा मास्टर कोर्स खरीद सकते हैं जिसमें आपको uh, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी इसके अलावा आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे और कोई डाउट हो तो आपके पास एक डेडिकेटेड फोरम है कॉल कर लो मेल कर लो डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे जब जा आप सेवनटी फाइव ऑफ कोड यूज़ कीजिए सेवनटी फाइव परसेंट ऑफ आप अवेल कर सकते हैं फिर अब हम एम देखते हैं पहला है फॉर लैंड डिवेल्पमेंट कैन बी ग्रांटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर लैंड डिवेलपमेंट लोन कैन बी ग्रांटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज लैंड क्लियर करने के लिए लैंड में जो सॉइल है उसको रिक्लेम करने के लिए कि सलाइन एल्कलाइन हो गया उसको ठीक करना है उसके लिए आप लोन ले लो फेंसिंग करनी है तो सारी एक्टिविटीज के लिए आप लोन ले सकते हो तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है अगला है इट इज अ स्लो एप्लीकेशन ऑफ वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप तो मैंने अभी आपको बताया कि ड्रॉप बाय ड्रॉप सिर्फ रूट तक पानी जाएगा एक्स्ट्रा पानी बर्बाद नहीं होता है ये होता है ड्रिप इरीगेशन के ड्रिप करके पानी जो आपकी सिर्फ रूट तक पहुंचता है तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इज फाइनेंस फॉर हॉर्टिकल्चर इज अलाउड फॉर फ्लॉर्स इन ग्रीन हाउस फ्लॉर्स इन ओपन या वेजिटेबल्स तो हॉर्टिकल्चर में तीनों के लिए ही आपको लोन दे दिया जाता है तो डी यहाँ पे करेक्ट है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे डैश इज द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेटिंग सिल्क वर्म्स एंड एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम देम क्या प्रोसेस है सेरिकल्चर पिसीकल्चर एक्वाकल्चर या फिर नन ऑफ दी अबव तो इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे तो ये था हमारा आज का सेशन अगर आपको सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू अर यूट्यूब चैनल दैट्स इट फॉर टूडे थैंक यू सो मच